पे चार पैर हैं, एक साइड और दूसरी साइड दो हैं। किसी आदमी के पैर फट रखे है ना, तो वो अपने पैर में लगाएगा ना इसको, और काफी ज्यादा मेहनत लगी। तो यहाँ पे दो चट्टान खड़ी कर दी मैंने पत्तों की। हाय दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भाई नमस्कार। दोस्तों, उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ में आप सभी का स्वागत है। मैं आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आ चुका हूँ दोस्तों। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है 10:30 बजे के आसपास, और दोस्तों काफ़ी शानदार मौसम बना है दोस्तों। आज धूप नहीं आ रखी दोस्तों, और ठंडा लग रहा है, काफ़ी हवा चल रही है मस्त वाली। तो मतलब 2-3 दिन पहले तो गर्मी बढ़ चुकी थी पहाड़ों में भी काफ़ी ज़्यादा, अब अच्छा मौसम बन चुका है दोस्तों आज के दिन पे तो। और दोस्तों पहाड़ों में सुबह का नज़ारा ऐसा है इस टाइम पे, अभी क्या ब्यूटीफुल लग रहे हैं ये पहाड़ वगैरह, यहाँ पे हरे हरे पेड़ चीड़ के, और दूर का नज़ारा काफ़ी शानदार लग रहा है। पहाड़ क्या मस्त लग रहे हैं, ब्यूटीफुल नज़ारा। और दोस्तों जब हरियाली छाती है ना पहाड़ों में, तब तो और मस्त लगते हैं ये पहाड़ों के रसच में यार। और दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपनी गौशाला की साइड अब सुबह के टाइम में, और मेरे जा रहे हैं यहाँ से नीचे रास्ता ये है गौशाला का, तो ये सड़क उड़क तो जाती है आगे गांव वगैरह में। तो दोस्तों आज मेरा जरा कुछ काम है दोस्तों, मैंने रास्ता उस साफ करना है कहीं पे, तो वहाँ पे जाऊँगा मैं गौशाला के बाहर। तो गौशाला में जरा कुछ काम किया जाए तब निकलता हूँ मैं। और दोस्तों इस वाले खेत में हमने कुछ टाइम पहले यहाँ पे अदरक लगाई थी ना, तो अब हमने इसमें डाल दी है यहाँ पे गोबर। तो गोबर डालने से रिजल्ट अच्छा मिल जाएगा और काफ़ी जल्दी मिल जाएगा, ये फायदा होता है गोबर डालने से। तो दोस्तों मुझे इस जगह पे दिख गया एक जामुन का पेड़, तो उस पर मुझे भौर वगैरह लग रहे आ रखे हैं, तो उसके सामने चलता हूँ मैं। और रास्ता ये है जाने का, तो रास्ता काफ़ी संकरा है, आराम से जाना पड़ेगा, कहीं फिसल ले जाऊँ। हाँ तो आ रखे इसमें बहुत सारे और आ रखे, तो ये बाद में पक जाएगा, इस पे काले काले दाने आते हैं, जामुन का पेड़ है। तो हमारे साइड इसको फलेण का आ जाता है दोस्तों, और पेड़ देखिए क्या छोटा सा पेड़ है, और कितने सारे भौर आ रखे इसमें। और इसमें मुझे लग रहा है यहाँ पे मधुमक्खी हैं इसमें बहुत सारे छुपे हुए इस वाले पेड़ में। तो जो इसमें फूल उल आ रखे ना भौर वगैरह, तो उनका रस चूसते हैं वो। अब मैं दोस्तों आगे की तरफ चलता हूँ यहाँ पे गौशाला में, जो मेरा काम है ना गौशाला में उस काम को कर देता हूँ मैं। और यहाँ पे बांस वगैरह के बहुत सारे पेड़ हैं दोस्तों हमारे गौशाला के सामने, और इसमें कुछ कीट वगैरह छुपा है, वो काफी आवाज कर रहा है, उसकी आवाज सुनिए आप। तो दोस्तों अंदर चलते हैं, देखते हैं पानी वानी भरा है कि नहीं भरा, अगर नहीं भरा होगा तो मुझे भरना पड़ेगा यहाँ पे नल पे। और यहाँ पे बाल्टी वगैरह भर रखी है सबके सब, ठीक है मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और इसके पीछे एक मकड़ा दिख रहा मुझे, आप देख सकते हैं ये मकड़ा कितना बड़ा है, और इस पे चार पैर हैं, एक साइड और दूसरी साइड दो हैं बस, ये बड़ी गजब की बात है यार। तो ये भाग नहीं रहा मुझको देख के, वैसे भाग जाते हैं मकड़े वगैरह, तो किसी चीज ने काट दिए होंगे इसके पैर मुझे लग रहे हैं, और इसको इसी के पीछे रहने देते हैं, वो अब भाग गया वो। तो आ गया मैं अपनी गौशाला से, जो काम था मेरा वो काम कर लिया, तो अब दूसरा काम करूंगा। तो मेरे ऊपर जाना है सड़क से, तो रास्ता तो ये है ऊपर जाने के लिए, तो यहाँ से जाना पड़ेगा मुझे ऊपर, तो निकलता हूँ मैं। तो दोस्तों जो काम करने के लिए मैं ऊपर आया हूँ ना, तो उस वाली जगह पे मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पे। तो इस वाले पेड़ को हटाने के लिए आ रखा मैं यहाँ पे रास्ते से, तो यहाँ पे फिसलने का बहुत डर रहता है, मैं भी फिसल चुका था यहाँ पे परसों, मैं गाय वगैरह ला रहा था ऊपर से, मैं फिसल गया यहाँ पे, और जो गाय वगैरह थी ना वो भी यहाँ से आराम से चल रही थी, वो भी मतलब फिसलने से बच रही थी बार बार। तो मैंने यहाँ पे सोचा है कि इसको साफ किया जाए, यहाँ पे बहुत सारा पड़ रखा ऊपर से देखिए, और यहाँ पे चीड़ का पेड़ है ना यहाँ पे बड़ा सा, तो इससे गिर रहे हैं पत्ते, कितना बड़ा है आप देख सकते हैं, तो साफ किया जाए इसे। और दोस्तों जो ये चीड़ का पेड़ रहा ना, तो इस पे एक काम की चीज रहती है, आपको बताता हूँ क्या है, ये रहा वो नीचे, तो इसको लीस का आ जाता है पहाड़ी भाषा में। तो अगर किसी आदमी के पैर फट रखे है ना, तो वो अपने पैर में लगाएगा ना इसको 1 मंथ तक डेली, तो उसके घाव भर जाएंगे पैर के, इतनी काम की चीज है ये।
और ये चिपचिपा सारे था ये पदार्थ, अगर मैं इसे हाथ लगाता हूँ ना तो मेरे हाथ चिपचिपे से हो जाएंगे, जैसे फिर भी क्विक नहीं रहता हाथ चिपक जाएगा, वैसे है ये एक टाइप का। तो दोस्तों किया जाए काम और पूरा जमा करूंगा इस समय एक जगह में। और दोस्तों मैंने पूरा का पूरा रास्ता साफ कर दिया है यहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी तो यहाँ पे दो चट्टान खड़ी कर दी मैंने पत्तों की, एक इस साइड एक उस साइड, मेहनत काफ़ी ज़्यादा लगी और पसीना निकल चुका है मेरा। तो अब जरा रास्ता ठीक लग रहा, अब इसमें फिसलेगा नहीं कोई, पर बाद में इसमें से और पत्ते गिरेंगे, अभी ऊपर तो बहुत गिर रखे हैं अभी, और नीचे भी गिर रखे हैं बहुत सारे, पर रास्ता साफ हो गया, अब आदमी इससे जा सकता है आराम से नीचे, और जानवर वगैरह जो गाय वगैरह होंगे वो भी जा सकते हैं आराम से। और दोस्तों मैं आ चुका हूँ वहाँ पे से साफ उप करके पूरा का पूरा। तो दोस्तों पहले मेरा प्लान था कि मैं आग लगा दूँ उस पे, उस पत्ते वगैरह पे, तो बाद में यार मैंने सोचा हवा वगैरह चल रही है और पेड़ वगैरह भी है सामने, तो आग लगाने से नहीं रहेगा वहाँ पे, तो मैंने एक साइड पे जमा करके आ गया मैं पूरा का पूरा। और दोस्तों अब धूप वगैरह भी आ चुकी है कड़क वाली, अब जरा गर्म सा होने लगा है और काम करते करते भी गर्म सा हो गया मुझे, और भूख भी लग चुकी है काफ़ी ज़्यादा। तो अब घर में चलूँगा, खाना वाना खाऊँगा, क्या बनाया आज खाने में देखते हैं। और दोस्तों आज दिन में बनाया है यहाँ पे खाना भात और मिक्स की दाल, और मैंने यहाँ पे सलाद लिया है, थोड़ा सा प्याज, और साथ में यहाँ पे नेचर का मज़ा लीजिए, आगे क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है मेरे घर से दिख रहा। और दोस्तों बज रहे हैं शाम के 4 और मस्त वाली हवा चल रही है शाम के टाइम में, अभी ऐसी वाली हवा केवल आपको पहाड़ में मिलेगी, शुद्ध वाली हवा है शुद्ध वाली। तो ऊपर छत में चढ़ता हूँ मैं अपने, वहाँ से दिखाता हूँ मैं नज़ारा आपको। और दोस्तों आप देख सकते हैं क्या मस्त वाली हवा चल रही है, और पेड़ वगैरह हिल रहे हैं इस टाइम में, काफ़ी प्यारे लग रहे हैं वो। तो इस साइड रहा महावगढ़, सुबह के टाइम इस साइड धूप दिन लगी थी, धूप लग चुकी है, और यहाँ से देवी खेत का नज़ारा तो गजब का दिखता है। तो नीचे का मार्केट रहा देवी खेत का। और दोस्तों आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त करता हूँ। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों प्लीज़। दोस्तों अन्य वीडियो में मिलता हूँ अब किसी, बाय बाय।